अब देखो आगे, अब लेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, क्यू बोलते हो देखेंगे, और क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। नाउ सीरीज एलसीआर सर्किट ले रहे, सीरीज एलसीआर सर्किट, मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा उसका फॉर्मूला रहेगा, ओम्स लॉ लगाया है, आर नहीं लिखेंगे, जेड लिखेंगे, इंपेडेंस, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, फिलहाल एलसीआर तीनों काउंट करेंगे, तो वी इज इक्वल टू आया तो उसको इधर लेंगे जेड को, ठीक है, आई इज इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला यूज किया है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ, ठीक है। नाउ वी कैन राइट ई अपॉन इंपीडेंस का फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। नाउ एट रेजोनेंस, सपोज द फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर, तो ओमेगा आर करते हैं, तो उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पर, कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी डालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा एल, यहाँ लिख सकते हैं वन अपॉन ओमेगा सी, तो वो छोड़ो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, इट इम्प्लाइज इसके पहले हुआ है जेड इज इक्वल टू आर, ये कैंसिल, यानी ये बचेगा खाली आर, जेड की वैल्यू आर, ये सो आई जीरो कैन बी रिटन एज ई अपॉन आर, ये वाली रेजोनेंस की कंडीशन है, और यहाँ एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम, तो आर की वैल्यू जितनी कम करंट उतना ही ज्यादा रहेगा, तो ये याद रखो, इसका ग्राफ भी बनाया था अपन ने, यस, तो ये है करंट और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ये वाली कंडीशन में ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एट दैट पॉइंट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और करंट रहेगा ये आई जीरो पर मैक्सिमम। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में ये सब लिखा है अपन ने, तो अब आगे शुरू कर रहे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर। शार्पनेस का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट जो है वो ज्यादा शार्प रहेगा, शार्पनेस यानी ये कितना शार्प है वो समझा था पहले देखें, सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट लगे तो इसके पहले लिया है पैरेलल के पहले, तो ये देख लेना ये वाली कंडीशन, जेड इज इक्वल टू आर रहेगा पर डिपेंड रेजोनेंस, और ये याद रखो, तो अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एम्पलीट्यूड यहां मैक्सिमम, फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो और एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, तो यहां पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और कितना है कौन सी कंडीशन में, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल, फ्रीक्वेंसी रहेगी ओमेगा, ये देखो ये याद रखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये तो है ही, पर जब तीनों एक साथ में है तब ये मैक्सिमम रहेगा, पर जब सिर्फ रेजोनेंस वाली केस है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट कंसीडर करेंगे तो आई जीरो इज इक्वल टू ई अपॉन आर, जेड की वैल्यू आर हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन करो ये सेम, तो आर स्क्वायर बचेगा रूट में, तो जेड विल बी इक्वल टू आर, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये बताया है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस, वही दिया था मैंने, ये देख लो एक बार आगे चलते हैं। ये हाँ ओमेगा मार्क किया है अपने, ठीक है, ओमेगा आर, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है आई जीरो वो रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। नाउ अब अपन दो फ्रीक्वेंसी और मार्क करेंगे, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आई विल बी आई जीरो अपॉन रूट टू, कितना लेना है आई जीरो अपॉन रूट टू, यानी अपन बोल सकते हैं 0.0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर रूट टू का रेसिप्रोकल लेंगे 0.707 ऑफ करंट,
आई जीरो, मतलब अपन बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि ऐसा फ्रीक्वेंसी मान करो जहां करंट मैक्सिमम करंट से कितना है 70%, कितना है 70%, ठीक है। तो समझो 70% है तो ऊपर ही वैल्यू भी आएगा यहां पे और ये, तो ये फ्रीक्वेंसी लेंगे इधर और ये इधर, सो दिस इज ओमेगा 1, इससे कम तो यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे भी कहीं तो भी ऐसा आएगा जहां 70% है। 70% इसलिए हो रहा है कि समझाने में आसान जाएगा, अदरवाइज लिखना ही आई जीरो अपॉन रूट टू, यानी मैक्सिमम करंट से रूट टू अपॉन में, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दो आएंगे क्योंकि पीक इधर भी है और इधर भी कम हो रहा, तो दो पॉइंट आएंगे, एक को ओमेगा 1 देंगे एक को ओमेगा 2 देंगे, वेयर द करंट इज 1 बाय रूट 2 टाइम्स द मैक्सिमम करंट, यानी कितना ले रहे हैं 70%, ठीक है। और एक इधर ले लिया, ये आ गया यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली 70% है, इसको नाम दिया ओमेगा 2। देखो ये 70% वाला याद रखना, लॉजिक लिखना नहीं है, 70.07 या 70% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर कर्व ऐसा होता शार्प, इससे शार्प, तो 70% यहां पर भी आएंगे और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, तो जितना ज्यादा ये शार्प रहेगा, जैसे ये थोड़ा सा शार्प कम है, इससे भी अगर शार्प बनाएंगे तो ये विड्थ जो है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वो कम होते जाएंगे। तो जब अपन बोलते हैं कि रेडियो है, तो अपन जब रेडियो ऑन करेंगे तो अपने आजू बाजू में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है, बीबीसी है, विविध भारती है, रेडियो मिर्ची है, समझो नागपुर का स्टेशन है, और कोई स्टेशन होंगे, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स है। अपन ने अपना LCR सर्किट, एल सी और आर, ये वाला सर्किट समझो, इसको कौन सा सर्किट बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट, इसीलिए उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए फिक्स कर दिया, कौन सी, 1/2 pi √LC, ये अपने सॉल्व किया। ये फ्रीक्वेंसी में एल या सी की वैल्यू चेंज करके आप लोग इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे को 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनना है, समझो नागपुर स्टेशन सुनना है, सपोज 200 हर्ट्ज पे है, तो मेरे को ये डिवाइस 200 हर्ट्ज पे फिक्स करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा है कम शार्प, तो उसमें ये सारे वेव्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतने जो बाकी के वेव्स है वो कम एक्सेप्ट करेगा, तो जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा, यानी जितनी कम ये बैंडविड्थ उतना ज्यादा ये शार्प रहेगा। डायग्राम पर से आगे इक्वेशन पर से भी बता रहा, ध्यान रखना। अगर मान लो इसको और शार्प बनाया है, इसी को ये ऐसे, तो ये 70% यहां रहे तो क्या आएगा, तो देखो ये ओमेगा आर, ये लाइन ओमेगा 1 और ये लाइन ओमेगा 2, विड्थ जितनी कम शार्पनेस उतनी ज्यादा, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ज्यादा ये मिलेगा क्लियरनेस, ध्यान रखना। बाकी के फ्रीक्वेंसीज कम पहुंचेंगे, यानी वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो इसी एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। देखो तो याद रखना, जितनी ये विड्थ कम रहेगी उतना ही ये पीक शार्प रहेगा, इसलिए अपन ने बोला है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या बोला है क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतनी अच्छी उस सिग्नल की क्या मिलेगी अपने को, क्वालिटी। देख तो यहां रखो, जितना ज्यादा शार्प रहेगा ये शार्प है, तो इसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बाकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल क्या रहेंगे फिर भी, तो रेडियो विल वर्क प्रॉपर। तो याद रखो LCR सर्किट इज एक्सेप्टर सर्किट, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, इस फ्रीक्वेंसी के लिए अपने फिक्स किया है 1/2 pi √LC, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, मान लो 200 हर्ट्ज, तो जितना ज्यादा शार्प रहेगा, जितनी ये विड्थ कम रहेंगी उतना ज्यादा वो पीक शार्प मिलेगा। अभी यहाँ अगर शार्प दिखा था तो ये समझाने में मुश्किल जाता है, इसलिए अपन बता रहे हैं, उसमें बाद में लगे तो डायग्राम में और शार्पनेस ऐड कर सकते हैं, पर याद रखना जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतनी इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी सिग्नल की, तो वो पर्टिकुलर सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेगा और बाकी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल क्या रहेंगे फिर भी, इससे इधर का इससे इधर। तो क्वालिटी फैक्टर मीन्स जितना ज्यादा शार्पनेस, यानी विड्थ जितनी कम
क्वालिटी उतनी अच्छी है सिग्नल की। बाकी जो सिग्नल कैच कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी सिग्नल की, और बाकी की सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक रहेगी, इधर और इधर फटाक से स्टील वीक, जल्दी वीक हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्यू फैक्टर की डेफिनेशन बता रहे थे तो वही याद रखना, डायग्राम में समझा नहीं कि विड्थ के साथ इनवर्स वेरिएशन, विड्थ जितनी कम, फिर अगर विड्थ ज्यादा है समझो यानी वो शार्प कम रहेगा ऐसा है, तो 70% यहाँ आए तो भी आएंगे ऐसे। तो दिस इज ओमेगा आर, ओमेगा वन, ओमेगा टू, शार्पनेस कम, ये भी फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल में कैच होंगे और क्या मिलेंगे डिस्टॉर्शंस, ठीक है। तो सिग्नल जितना ज्यादा शार्प रहेगा यानी ये विड्थ जितनी कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सिग्नल पे, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे अपन ने फिक्स किया है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखा, ये अपन ने डिराइव किया है 2 पाई अंडर रूट एल सी, कौन से सर्किट के लिए, एलसीआर सीरीज एलसीआर सर, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए शार्पनेस जितना ज्यादा रहेगा वो फ्रीक्वेंसी उतनी क्लियर रहेगी और बाकी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल क्या रहेंगे वीक। देखिए तो शार्पनेस जितनी अच्छी रहेगी यानी विड्थ जितनी कम रहेगी पीक उतना ही ज्यादा शार्प रहेगा, यानी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा। क्यू फैक्टर का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ओमेगा वन लिखते हैं, ऐसे लिखो तो चलेगा क्या, ओमेगा आर यहां से यहां तक ये ओमेगा वन, और इन दोनों के बीच में की विड्थ को नाम दे रहे डेल्टा ओमेगा, और इन दोनों के बीच में डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो माइनस डेल्टा ओमेगा यानी पूरे इसमें से डेल्टा ओमेगा माइनस करो तो ये मिलेगा, वैसे ये ओमेगा टू के लिए लिखेंगे ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, यानी यहां तक प्लस ये आगे ही डेल्टा ओमेगा, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, इसी को बोलेंगे अपन बैंडविड्थ। देखो इन दोनों के बीच में की विड्थ ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर डालेंगे ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो ये कैंसिल, ये आएगा ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये डेल्टा ओमेगा प्लस ये डेल्टा ओमेगा इज ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, पर वो मेथड से ही लिखना है, नहीं तो डेल्टा ओमेगा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बैंडविड्थ। सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन इट्स बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितनी कम रहेगी क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा रहेगा, पीक उतना ही शार्प रहेगा। तो याद रखना क्यू की वैल्यू ज्यादा कम रहेगी जब ये कम रहेगा, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कम, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही ज्यादा शार्पनेस रहेगा, वो सिग्नल स्ट्रांग रहेगा, बाकी के सिग्नल क्या हो जाएंगे वीक। तो वो अपना रेडियो है या टेलीविजन है उसका एंटीना उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अच्छे से कैच कर पाएगा, क्वालिटी विल बी गुड, बाकी डिस्टॉर्शंस नहीं रहेंगे यानी बाकी फ्रीक्वेंसीज नहीं आएंगे। देख लो ये याद रखना, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस या रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहां पे रेजोनेंस मिला ये वाला अपॉन द बैंडविड्थ, अपॉन में क्या है बैंडविड्थ, या अपन बोल सकते डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज ऑन आइदर साइड, दो फ्रीक्वेंसी है ऑन आइदर साइड where the current is 1 by root 2 times the maximum current, where the current is 1 by root 2 times the maximum current, or या ये बोल सकते या याद रखो power का formula क्या था, power का formula था I square R, electric power का, तो अगर ये डाले इसी जगह I zero ये 2 हो जाएगा, so I zero square R इसका रूट टू आ गया ये, यानी अगर करंट 1 बाय रूट टू है तो पावर क्या हो गया हाफ। देखो फिर से लिखो, यहां लिखो पावर का फॉर्मूला है एक्चुअल में आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई की वैल्यू डालो आई जीरो अपॉन रूट टू, तो आई जीरो का स्क्वायर रूट टू बाय टू अपॉन आर, तो मैक्सिमम पावर का हाफ, तो यहां पे और यहां पे
पहले 70% है, मतलब पावर क्या हो गया हाफ, देखो ये बता दिया। तो इट इज ऑल्सो नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज ऑल्सो नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दे आर ऑल्सो नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये नोट डाउन करो, ये बेटा तो याद रखना है डेफिनेशन ना, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऊपर क्या है फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में है द डिफरेंस बिटवीन, या बैंडविड्थ बोल सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड सच दैट द करंट इज 1 बाय रूट 2 टाइम्स द मैक्सिमम करंट, करंट इज 1 बाय रूट 2 टाइम्स द मैक्सिमम करंट। तो डिफरेंस को अपन ने क्या बोला है बैंडविड्थ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, पर लिखने के लिए ये वाली मेथड यूज किया है तो वही मेथड यूज किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बिठा रहा एक बार फिर से समझा देना शार्पनेस खाली वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो याद रखना बैंडविड्थ जितनी कम सिग्नल उतना शार्प और सिग्नल उतना ही क्लियर मिलेगा, फिर बाकी के जो फ्रिक्वेंसीज है उनका सिग्नल क्या रहेगा वीक, there will be less distortion. देखो एक ही ग्राफ बना रहे हैं, ये देखो ये एक शार्प बना लिया पहले सब, तो इसका 70% ग्राफ का 70% इधर का टी कम तो अपन वो आराम से निकल सकते हैं। ये ओमेगा आर, ये ओमेगा वन, ये ओमेगा टू, दूसरा ग्राफ कैसे बनाएंगे उसी में बनाने हैं दो तीन, पर मिक्स मत। अब देखो अब 70% है तो भी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, विड्थ ज्यादा है शार्पनेस कम, विड्थ कम शार्पनेस ज्यादा, तो शार्पनेस ज्यादा का मतलब ये होगा कि जब आप ये एल ये सी और ये आर सर्किट रेडियो में यूज करेंगे, ठीक है, तो आजू बाजू में कोई एक सिग्नल नहीं है, एक ही सिग्नल है वो ही कैच होगा, बहुत सारे सिग्नल है, अपने को एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी है, तो वो फ्रीक्वेंसी ये फॉर्मूले से फिक्स हो जाएगी। मान लो मैंने सपोज 100 हर्ट्ज पे फिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा, और अगर शार्पनेस ज्यादा है तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड क्या रहेगा मैक्सिमम, यानी शार्पनेस ज्यादा है उसके लिए, बाकी के लिए बाकी फ्रीक्वेंसीज के लिए देखो स्टीप है एकदम, शार्पनेस ज्यादा है तो उनकी सिग्नल्स क्या रहेंगे वीक, इसी के सिग्नल्स क्या रहेंगे स्ट्रॉन्ग। तो ये जब रेडियो में यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए शार्पनेस ज्यादा होने की वजह से बाकी सिग्नल्स वीक हो जाएंगे तो वो कैच नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जितनी विड्थ कम शार्पनेस उतनी ज्यादा, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर में शार्पनेस ज्यादा होना चाहिए मतलब विड्थ कम, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखो क्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ऐसे लिख सकते हैं अपन, और फिर बाद में लगे तो उसको ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस डेल्टा, और याद रखना ऊपर भी फ्रीक्वेंसी नीचे भी फ्रीक्वेंसी, तो क्यू फैक्टर हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, सिर्फ वो ये बताएगा कि क्वालिटी आपके इसकी कितनी रहेगी, अगर Q की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो डेल्टा W की वैल्यू ट्वाइस डेल्टा W, यानी इन दोनों के बीच में का डिफरेंस बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, जितनी बैंडविड्थ कम रहेगी पीक उतना ही शार्प रहेगा और उतनी ज्यादा आपको रेडियो में क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेंगे बाकी सारे दूसरे फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल क्या हो जाएंगे वीक, तो ये रेडियो में ये फैक्टर यूज होगा। तो कुछ रेडियो देखो डिस्टॉर्शन पुराने वाले क्योंकि क्वालिटी फैक्टर अच्छा नहीं रहता था, अब एडवांस हो गए तो रेडियो क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, देख लो ठीक है नोट डाउन करो। सिर्फ इधर याद रखना जैसे दो तरफ है ना, तो इस साइड में क्या रहेगा XC greater than XL, यानी कैपेसिटिव सर्किट है समझो, इधर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा, ये सिर्फ याद रखना है और याद रखना ये कैंसिल पोर्शन में ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और इसके बाद चोक पॉइंट, तो वो एक्स्ट्रा में है कैंसिल पोर्शन में, पर देखना एक बार और बाकी लोगों को देखना ही है क्योंकि कॉम्पिटेटिव में तो है ही ऐसा,
एक्स सी का फॉर्मूला था 1 अपॉइंट 2 पाई एफ सी, और एक्स एल का फॉर्मूला है एक्सेल का फॉर्मूला है 2 पाई एफ एल, और एक्स सी का फॉर्मूला है 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स वेरिएशन। अभी फिलहाल यहां तक अगर है अपन तो फ्रीक्वेंसी कम है मतलब ये ज्यादा है, तो ये वाले रीजन में यानी यहां से यहां तक एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, फिर यहां तो इक्वल हो गए। अब इसके आगे कैसे, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। इधर हम बोलेंगे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स, यहां इधर ये वाले रीजन में एक्स सी की वैल्यू ग्रेटर रहेगी और ये वाले रीजन में एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर रहेगी। यानी अपन बोल सकते हैं इधर कैपेसिटी डोमिनेटेड सर्किट है और इधर इंडक्टर डोमिनेटेड है और बीच में रेजिस्टेंस रहेगा, अगर यह रही तो जेड विल बी इक्वल टू आर। इनवर्स वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, इतनी नहीं है जितनी उधर है, तो फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स की वैल्यू ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम एक्सएल की वैल्यू कम। फिर अब अपन आगे जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी एक्स की वैल्यू कम हो गई, और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी एक्सएल की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इक्वेशन पर से याद है। तो याद करना बैंडविड्थ जितनी कम उतना ज्यादा शार्पनेस, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बाकी जो फ्रीक्वेंसीज अपने को नहीं सुनने हैं उनके सिग्नल वीक रहेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन एक बार वापस से बता देता हूं, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर डेल्टा अपॉन बोलेंगे बैंडविड्थ, ओमेगा आर, बैंडविड्थ का मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, या फॉर्मूला सॉल्व करके निकाला था ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ angular frequency at resonance to the difference between the two frequencies on either side dono taraf hai idhar bhi idhar bhi either side such that the current is 1 by root 2 times 1 by root 2 times the maximum current yani yahan jo maximum current hai usse idhar aur idhar kitna hai root 2 times 1 by root 2 times the maximum current yani kitna approximately 70%। और एक फिर से बता रहा पावर का क्या रहेगा, हाफ, मैक्सिमम पावर का हाफ। अभी समझाइए तो इन फ्रीक्वेंसीज को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, याद रखना हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जितना विड्थ कम शार्पनेस उतनी ज्यादा मिलेगी, डायग्राम में समझाइए, जितना ज्यादा शार्प तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उसका फॉर्मूला फिर से याद रखना, ये वाला है एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, उसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बाकी फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट है आजू बाजू में पर उनके सिग्नल्स क्या हो जाएंगे वीक। तो आप जब रेडियो बनाएंगे तो क्यू फैक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी पीक क्या होना चाहिए, वेरी वेरी शार्प। देख लो अब देखो ले रहे चोक कॉइल, पहले हुआ है मैंने बताया तुम लोगों को, पुराने जो ट्यूबलाइट आते थे जो एलईडी नहीं होते थे उसमें ऐसे ट्यूब लगी हुई रहती थी फ्लोरोसेंट ट्यूब, यहाँ लगा रहेगा एक स्टार्टर और यहाँ रहेगा वो चोक कॉइल, चोक बोलते थे उसको, ठीक है। तो ये निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो बल्ब निकाल रहे हैं, फिर से बता रहा था ये हुआ है पहले, ये है बल्ब, समझो अपन जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितने वोल्ट है 220 वोल्ट, पर इसको चाहिए खाली 100 वोल्ट, यानी पोटेंशियल कम चाहिए और करंट भी कम चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन सीरीज में एक रेजिस्टेंस निकाल लगा देंगे सच दैट इधर अगर 100 है तो 120 इसके अक्रॉस ड्रॉप होना चाहिए, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये हो गया टोटल, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट कम हो गया, ठीक है, अपोजिशन बढ़ गया। अब सेकेंड केस में अपन क्या कर सकते हैं, बल्ब के साथ यहां लगाया रेजिस्टेंस, उसी बल्ब के साथ आप लगा सकते हैं इंडक्टर कॉइल, जैसे ट्यूबलाइट में ये है चोक कॉइल, इंडक्टर कॉइल या चोक कॉइल बोल सकते हो उसको, और यहां पे भी लगाया है 220 वोल्ट। अब देखो ये भी अपोजिशन क्रिएट कर रहा, ये भी अपोजिशन क्रिएट कर रहा, करंट कम करने के लिए, बल्ब को बचाने के लिए, क्योंकि उसको वोल्टेज कम चाहिए करंट भी कम चाहिए, बट इसमें जो है
हीट जनरेट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो कोलिजन होंगे वहां पे, जितना हाई रेजिस्टेंस उतने ज्यादा कोलिजन, उतनी ज्यादा वहां पे हीट जनरेट होगी और एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो यहाँ जो अपोजिशन है इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिशन मिलेंगे आपको, ठीक है, और क्या जनरेट होगी, हीट। ये है इंडक्टर कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्शन है एल। अब यहां क्या होगा, जब इसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास होगा तो इसके आगे बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी चेंजिंग, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, जो इस अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज। तो ये भी अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, ये भी अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, पर दोनों का अपोजिशन क्रिएट करने का तरीका अलग है। यहां जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। अब कॉइल है कॉपर की बनी हुई, तो रेजिस्टेंस अगर आइडियल कॉइल है, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। कॉपर कॉइल, कॉपर का जनरली रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो मोटी थिक कॉइल यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा। अगर आइडियल केस बोले तो अपने पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो, बट यहां थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो रहेगा, बट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। अब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो हीट जनरेट भी क्या रहेगी, मिनिमम। तो यहां रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहां हीट ज्यादा जनरेट होगी, यहां रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है तो एनर्जी कंज्यूम होगी पर हीट में ज्यादा वेस्टेज नहीं हो रहा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो जो हीट जनरेट होगी वो भी थोड़ी रहेगी। यहां अपोजिशन किसकी वजह से हो रहा, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा, यहां अपोजिशन हो रहा इंड्यूस ईएमएफ, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज। इसीलिए ट्यूबलाइट में चोक यूज करते रेजिस्टेंस की जगह, क्योंकि रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी, एनर्जी का वेस्टेज होगा, यहाँ हीट जनरेट होगी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस है कम है, कॉइल का रेजिस्टेंस थोड़ा सा रहेगा, 1 ohm जो भी रहेगा पर बहुत कम, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस कम है तो बहुत ही कम हीट जनरेट होगी और अपोजिशन होगा पर इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ, तो देयर विल बी लेस लॉस ऑफ एनर्जी। और याद रखना आइडियल केस अगर है तो रेजिस्टेंस जीरो और बिल्कुल हीट जनरेट नहीं होगी, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, अपोजिशन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, ये याद रखो। तो अब इंपीडेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, पर वो खड़े है, ये एक्ससी नहीं है, इंडक्टर है खाली, ठीक है, वो क्या है, नाउ वी कैन राइट जेड, पावर का फॉर्मूला लिखे थे, एवरेज पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइ, कॉस फाइ का फॉर्मूला अपने निकाला था इंपीडेंस ट्राइंगल पर से आर अपॉन से। तो यहां पे अगर आइडियल केस होती तो रेजिस्टेंस जीरो, तो कॉस फाइ की वैल्यू भी क्या होती, जीरो, अगर आइडियल केस होती तो, बट अभी आइडियल केस नहीं है, रेजिस्टेंस है बहुत कम है तो कॉस फाइ की वैल्यू जीरो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के क्लोज रहेंगे। तो ये याद रखो, बस जो कोई कॉन्सेप्ट याद रखो कि रेजिस्टेंस यूज करने से ज्यादा हीट जनरेट होगी, बट आप अगर इंडक्टर कॉइल यूज कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा, आइडियल तो मिलने नहीं वाला, कॉइल कॉपर की भी है, मोटी भी रखेंगे, ठीक कॉपर कॉइल यूज करेंगे वहां पे, पर फिर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो रहेंगे, तो रेजिस्टेंस इज स्मॉल, कॉस फाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेगी, और आइडियल केस में तो आर की वैल्यू जीरो डालेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगेगा, पी इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो पावर कंज्यूम हो जाता है, पर cos phi की वैल्यू जीरो नहीं आनी, थोड़ा बहुत उसको भी वैल्यू रहेगी क्लोज टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो ये याद रखो। तो इसीलिए ट्यूबलाइट में चोक को यूज करते हैं रेजिस्टेंस की जगह, तो रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगी, यहाँ रेजिस्टेंस कम है कॉइल का तो थोड़ी हीट जनरेट होगी, और अपोजिशन इस रेजिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा, अपोजिशन हो रहा है इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है, सेल्फ इंडक्शन जो होगा इसमें वो अप्लाइड ईएमएफ को यानी उसकी कॉज को अपोज करेगा, बस इतना बोल सकते हैं। तो ये भी टॉपिक अपने को नहीं है, और इसके पहले वाला जो लिया शार्पनेस वाला वो भी नहीं है, कैंसर पोर्शन में है, पर कॉम्पिटेटिव वालों ने देख लिया है एक बार, ठीक है, तो चोक को यूज करेंगे तो एनर्जी का लॉस कम होगा, और रेजिस्टेंस यूज करेंगे सीरीज में तो लॉस ज्यादा होगा, एनर्जी का हीट जनरेट होगा। Gracias.